तमिलनाडु के मैसूर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मैसूर के बिहार के दरभंगा जा रही बागमती एक्सप्रेस चेन्नई के पास एक मालगाड़ी से टकरा गई, जिसके बाद ट्रेन में आग लग गई। ये घटना काबराई पेट्टे रेलवे स्टेशन के पास हुई है। इस हादसे में 19 लोग घायल हो गए हैं, जिनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात 8:50 पर तमिलनाडु के त्रिवल्लूर में ट्रेन नंबर 112578 मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस के एक मालगाड़ी से टकराने के बाद दो डिब्बों में अचानक आग लग गई और धुएं की सूचना मिली, जिसके बाद ट्रेन के 6 डिब्बे पटरी से उतर गए। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रेन खड़ी मालगाड़ी से टकराई। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से पहले यात्रियों को ट्रेन में गंभीर झटका लगा और उसके ट्रेन लूप लाइन में खड़ी मालगाड़ी से टकरा गई। हादसे में ट्रेन के 6 कोच पटरी से उतर गए। बता दें, इस हादसे में लगभग 19 लोग घायल हुए हैं, जिनको रेस्क्यू कर हॉस्पिटल पहुंचाया गया है।